हैं यूके से और ये हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो आज की शाम हमें इन्होंने ज़ियाउदी रेडियो एफएम 98.2 पे ज्वाइन किया है और हम इनसे बात करें हैं लाइफ चैलेंजेस के हवाले से. कुछ हम इनसे भी सवाल करेंगे, कुछ आप भी सवाल कर सकते हैं और ये अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से भी हमें बताएंगे कि किस तरह इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू किया. इससे पहले कि हम हुसैन से मज़ीद गुफ्तगू, उनकी एक स्टोरी ज़रूर होती है और समझना उस स्टोरी को, उससे सीखना ये आपको आगे लेके जाता है. तो मेरे साथ तो यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज बोर्न देयर इन लंदन. आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस फैमिली हु आर ऑलवेज इन बिजनेस एंड आई हैड रियली गुड रोल मॉडल्स अराउंड मी एट ऑल टाइम्स. सो व्हाट दैट अलाउड मी टू डू इज लुक, यू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू अ बिजनेस डोमेन व्हिच अलाउड मी टू मेक मनी विदाउट द होल. अब हमारे साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उन्हीं की विसाल के ऊपर मैं यहाँ आया था. उनका 40वां था, तो सब उनके लिए तहे दिल से दुआ कीजिए. माशाल्लाह उन्होंने बहुत 40 साल ऑलमोस्ट लगाए इस्लाम के लिए और लोगों के लिए. तो हुसैन, हम आपसे बात कर रहे थे लाइफ चैलेंजेस के बारे में. आप मुझे ये बताएं कि आपके इस ऑनलाइन प्रोफेशन, इस ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब आपने इसको पहला इनिशिएटिव लिया, तो क्या लाइफ चैलेंजेस, सबसे बड़ा लाइफ चैलेंजिंग आपके लिए क्या रहा? कोई ऐसी बात या कोई ऐसी किसी की कोई हरकत जिसने आपको रोका इस इनिशिएटिव? मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी में ये सीखा था. सो सिंस यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आपके साथ जो पार्टनरशिप्स रहती हैं लोगों के साथ, इंटरेक्शंस जो होती हैं वो कभी 100% नहीं हो सकती. तो सेटबैक्स तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक आता है. एवरी ऑर्डर के अंदर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग जो काम करते हैं देयर इज वेरी डेरिवेटिव ऑफ फीडबैक्स. जिस तरह हमने भेजी चीज़ उनको पसंद आए, जिस दराज में यहाँ आई एम सॉरी टू से जो हाल होता है, जो मैंने ऑर्डर करके खुद देखा कि आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग रेड और मुझे पर्पल आ रही है, इफ़ आई डिड दैट मुझे इस तरह की चीज होती है. अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपको किसी की डीमोटिवेशन आपको फेस करनी पड़ी हो, लाइक इन स्कूल, कॉलेज, या कभी ऐसा जो आपको लगे कि नहीं यार, मैं अगर ये इनिशिएटिव लूंगा तो फलाने बंदे ने फलाने दिन फलानी जगह पे मुझे बात की थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं, मुझे लगता है सोबत में मैं अच्छा था, तो ऐसा कोई बंदा तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है मैं जेनेटिकली मुझे लगता है जेनेटिकली मैं गिफ्टेड नहीं था. एज आई सेड आपको पहले जो बात हो रही थी, मैं डिसलेक्सिक था. सो इन अबाउट सो आई कुडंट रीड और स्पेल. और आप बिलीव करेंगे, आई वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल इन लंदन, पेड मनी, प्रेस्टिजियस, एवरीथिंग वाज गुड, बट वो मुझे सिखा नहीं सके पढ़ना किस तरह. जस्ट लाइक अच्छा, मुझे ना दिमाग में बिल्कुल वो स्टोरी याद आ रही है कि तारे जमीन पर, मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम थी, मतलब आई वोंट से दिस अ डिजीज या इसको एक बीमारी नहीं कहूंगी मैं, इट्स अ प्रॉब्लम जो एक थोड़े से टाइम स्पैन के लिए आती है एंड देन इट रन अवे, गिव्स यू अ गुड एक्सपीरियंस इन लाइफ. 100% इट मेक्स योर हार्ड वर्कर, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे. इट गोज अवे और डजंट गो, दैट्स अप टू साइंस टू यू नो, साइंस जो डॉक्टर बोले वही सही है. लेकिन मेरे लिए क्या था कि इट ड्रोव मी फॉरवर्ड. उससे क्या होता है कि मुझे पता था कि अगर मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ तो नहीं, ऑनलाइन क्या करेगा. सो एक चीज जब समझ आ गई, ये वाली चीज भी कि आपने खुद को पहले अपने अंदर तलाश किया कि हुसैन क्या कर सकता है, हुसैन की स्किल्स क्या है, उसके बाद आपने इनिशिएटिव लिया कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है. बिल्कुल, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है कि इंसान अपने आप को खुद पहले पहचाने. जी, हर बंदा, आप जिस तरह आप एक कसाई को नहीं बोल सकते नाई बन जाए, उसी तरह आपको अपना हुनर पता, यू हैव टू गो टू योर सेक्शन ऑफ लाइफ. पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, गो टुवर्ड्स एमबीए वाला सेक्शन. आप बिलीव करें कि मैंने मार्केटिंग से शुरू किया था. सो मैं जब मेरा आपको बोला तो मैंने पहले अपना काम जब शुरू किया तो मैं 9 साल का था. मैं भागता था शॉप के अंदर और चीज़ों को शेल्फ पे लगाना, शान के मसाले उठा के उसकी जगह पे लगाता था. तो उससे क्या सीखने को मिला कि हर चीज़ का एक औहदा होता है. हर एक बंदे का या हर एक एलिमेंट का जो भी आप टच करते हैं उसका एक औहदा है ज़िंदगी में. उसको जितना आप खूबसूरत करके लगाएंगे उतना ही आपको
उसका गुण वापस मिलेगा। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। और यही चीज मैंने जो देखी है कि यहाँ पर मसला क्या है कि लोग देखते बहुत हैं, करते कम है। हाँ ये तो है। यहाँ पर यहाँ और वहाँ की बात नहीं है, बात ये कि लोगों को खुद क्या करना चाहिए उनको ये चीज डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता। और डायरेक्शन है तो जब तक चाय पे बैठते हैं तो तीन और डायरेक्शन मिल जाती है। और अगर आप किसी भी, मैं कुछ नहीं, जो यहाँ पर प्रेस्टिजियस लोग आते रहते होंगे, जो उनके ऑनरेबिलिटीज जो आप लोगों ने यहाँ पर सर्व की हैं, लेकिन आप उनकी भी अगर लाइफ स्टोरी देखेंगे, एक चीज को पकड़ना जरूरी है। जिससे मैंने अपने आप को ये पकड़ लिया कि मैं जब ये आइटम लिस्ट करूंगा ऑनलाइन, आई विल मेक श्योर कि इसके नीचे 600 कीवर्ड्स हों। 600 keywords is a golden number for Google. If you have that much content, अगर आपको पता है ये कहाँ से चीज़ आई है, क्यों आई है, किसने बनाई है, कैसे बनाई है, और मैं इसकी uses क्या है और कितने uses हैं। और by the way, हम लोग पेप्सी का कैन पकड़ा है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन चल रही है। तो नहीं मतलब ये तो हमने एज अ ऑब्जेक्ट रखा है ना, आप स्टूडियो में कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी कह सकते हैं, इट्स नॉट लाइक पेप्सी कैन। और अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो चीजें जिनकी डिस्क्रिप्शन होती है वो हम यूज कर रहे हैं अभी, जैसे एक माइक्रोफोन है, उसकी जो बुकलेट आती है कोई पढ़ता नहीं है, बट किसी ने तो पुट टुगेदर की है ना, जो 1200 कभी कभी लगता है 1200 वर्ड की किताब आ गई। इनफैक्ट आपको पता है, मैं एक स्ट्रेटनर लेकर आई अपने बालों के लिए ना, मुझे बड़ा ये हेयर एक्सेसरीज का बड़ा शौक है, तो मैं स्ट्रेटनर लेकर आई और फिर मैंने कहा यार ये मुझे ऑपरेट करना नहीं आ रहा था, चलाना नहीं आ रहा था, एंड आई वाज लाइक ये कैसे चलेगा, इतनी टेक्निकलिटीज थी उसके बटन्स में। तो बाबा ने मुझे बोला कि तुम ये इसकी बुकलेट है ये पढ़ो तो सही। मैं कहा नहीं ये कौन पढ़ता है, छोड़े ना, कह रहे बेवकूफ लड़की तुम, इसी से तो पता चलेगा तुम्हें करना क्या है, किस तरह ऑपरेट करना है, ये हमारे यहाँ है नहीं अभी। और यही चीज लैक कर रही थी मार्केट में। एंड आई एम कमिंग बैक टू शान, व्हेन आई सेड आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, वो मुझे पैसे नहीं देते, लेकिन उन्होंने एक चीज जो मेरे लिए बहुत अच्छी, एक चीज जो मैंने उनसे सीखी वो ये थी कि उन्होंने कुकिंग को 3 स्टेप्स में कर दिया। उनके डब्बा कभी पीछे, आपकी अम्मी और मेरी अम्मी कभी नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि वो उनसे भी बड़ी शेफ है, लेकिन जो नहीं जानते कुछ करना, यानी कुकिंग नहीं जानते, स्पेशली फ्रॉम द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, अब मैं किसी लिंडा या रोजी को अगर को बोलता हूँ कि प्लीज मेक मी अ बिरयानी, इट कांट हैपन। लेकिन क्या है कि उस बॉक्स के पीछे अब पिक्चर के साथ दे दिया कि चिली इस तरह दिखती है और इस तरह कटनी है। अच्छा हमारी आवाम भी ना लाइक इस वाले फैक्टर को नहीं देखती, वो एडवर्टाइजमेंट में देखा है चाइनीज बिरयानी बना रही है, ये इनको नहीं पता, वो पढ़ के बना रही है। जी बिल्कुल, तो वही जो यही फैक्ट है कि आप जिस काम के अंदर भी जाएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ट्रेडिशनल और ऑटोमेटेड, ये बात याद रखनी जरूरी है कि आपके प्रोसेसेस अलाइंड हैं या नहीं है। जो आपका फिनिश्ड आर्टिकल है, जो भी प्रोडक्ट हो, वो टेक्सटाइल्स क्यों ना हो, जिस तरह आपने पिक्चर किया है वो कस्टमर पिक्चर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसमें अगेन आपको अपना व्यू पॉइंट उसको देना, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब आपको पता ही है, आप लोग एक मीडिया सेंटर के अंदर बैठे हुए, टेक्निकली यहाँ पर बहुत ही उनहार मीडिया जीनियसेस निकलेंगे, एंड दे आर गोना बी द की रिप्रेजेंटेशंस ऑफ योर ब्रांड। सो वही बता सकते हैं ना कि वीडियो में कैसे लगेगा, वही बता सकते कि पिक्चर कैसी लेनी चाहिए जिसका प्रोडक्ट एक्चुअली है। जी बिल्कुल। और ये मॉम से ये क्या सोचते हो तुम कि यूथ को किस तरह हम स्ट्रीट से उठा के बताएं कि आपने ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस तरफ भी जरा देखना चाहिए। देखिए यूथ जिस तरह है ना, अब कराची के अंदर जो मैंने जो देखा है, स्पेशली कराची, आई हैव बीन लाहौर इन दिस ट्रिप, मैं 3 हफ्ते जो पाकिस्तान के अंदर गुजारे, मैं कराची से लाहौर गया हूँ, लाहौर से सहवाल गया हूँ, सहवाल से वापस लाहौर आया हूँ, वापस कराची आया हूँ, नाउ आई एम गोइंग सऊदी अरेबिया। तो इन दिस ट्रिप माशाल्लाह आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेसेस, लोगों के कल्चर्स बहुत डिफरेंट है और हर कल्चर का हुनर अलग है। right. अब मैं एग्जांपल दे रहा था, एक बंदा आज मुझे ऊबर चलाता है, वो सिंधी था। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रेप्यूटेबल ऑनलाइन, क्या पहनते हैं वो लोग जो उनकी शॉल, सिंधी शॉल, अजरक, देयर इज नो ब्रांड, देयर इज नो ब्रांड, जो सिर्फ उनका अपना कल्चर का हिस्सा है। एग्जैक्टली, बट सिंधी कल्चर्स को कोई तो रिप्रेजेंट करेगा ना। एग्जैक्टली, एंड हम लोग खाने में हर कल्चर, हर चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड टुमारो अगर आप अभी भी देखते हैं, आज 5 रेस्टोरेंट खुलेंगे और कल 10 बंद हो गए। एग्जॉशन जो होता है ना लेवल, वो अभी आ चुका है इन द फूड इंडस्ट्री।
अच्छा वैसे मैं इसमें ऐड करती चलूँ, जो आपने फूड इंडस्ट्री और फूड बिजनेस के बारे में बात की, ये तो मुझे हर जगह एक्सपीरियंस करने को मतलब देखा है मैंने, एक्सपीरियंस करने को भी मिला है कि मोस्टली अपकमिंग यूथ से अगर आप कोई सवाल पूछने कि आपने अब आगे बढ़ने के लिए किस बिजनेस की तरफ जाए, तो कहते हैं मुझे रेस्टोरेंट खोलना है जी। मतलब ये कल्चर हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर बस गया है कि एक रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल हाइप पे बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से मैंने टच किया इस बात पर, मैं थोड़ा सा डिविएट कर गया आपके क्वेश्चन से, इस वजह से कि यही चल रहा है। हर बंदा बर्गर फ्लिपर बनना चाहता है लेकिन उसको खुद बनाने नहीं आता, वो एक शेफ हायर करेगा, 6 महीने उसका रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा, फिर उसका टेस्ट डाउन हो जाएगा, सब बोलेंगे यार तो इसने बकवास खाना देना शुरू कर दिया। उसकी गलती नहीं है, वो शेफ को कभी कदर ही नहीं दी उसने, तो कहीं और जाके अब अच्छे बर्गर बना रहा है। अच्छा आपको पता है अभी हमारे यूथ के अंदर, जैसे अगर कोई बंदा है, कोई मेल स्टूडेंट अगर ये बात बोलता है कि मुझे कॉटन ज्वाइन करना है या मुझे किसी रेस्टोरेंट को ज्वाइन करना है, तो घर वाले सबसे पहले डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, तुम क्या खाना पकाओगे, तुम क्या औरत हो गए हो, तो ये वाली चीज भी आती है। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने एक आदमी के हाथ से खाना खाया, उसका नाम है गॉर्डन रैमजी। अच्छा राइट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड। ये कि अगर आपको हुनर खुद नहीं आता तो उस हुनर का व्हाई वेस्ट टाइम। ऑनलाइन यूथ को रियलाइज करना चाहिए कि ये एक ट्रेंडिंग साइकिल है ग्लोबली। जितने पाकिस्तान के तो मोबाइल है ना, उतना ही बिजनेस है। राइट, तो अभी पाकिस्तान के में किसी को पता कितने मोबाइल्स हैं? बहुत सारे, तुम गिनवाओ। एटलीस्ट the whole of Pakistan's population, right, has some sort of internet connectivity. Huh. Not 100%. And at least 40% of them have high-speed internet connectivity. They can get to a computer or a phone source. And we tell you, in your restaurant, you can track Pakistan's 40% population. You can't do it. You can't serve it. अच्छा जहाँ तक रही बात ये फोन्स की, अच्छा हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर से बात करें फिर हम आपकी बात की तरफ वापस आते हैं। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से, कौन बात करें? अच्छा घोटकी से बात कर रहे हैं। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? यूज कर रहा है उसको ये भी पता होना चाहिए इनहेरिटली कि मैं अपलोड कर सकता हूँ इधर एक प्रोडक्ट, एक वीडियो, मेरा चेहरा, मेरी स्किल, मेरा कुछ कुछ भी जो दुनिया को कब, हर चीज़ ये नहीं होती कि मैं ही सबसे पहला हो जाऊँ। कुछ चीज़ें होती मैं शायद किसी से और से बेहतर कर लूँ या अपने तरीके से कर लूँ, तो वही फैन बेस बन जाती है आपकी। पर आपकी जो क्वेश्चन था, जो हम लोग अगर क्वेश्चन पे जाए वापस कि यूथ को कैसे लेके जाने, यूथ को ये रियलाइज करना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर वो रात को 8 घंटे बैठ के फोर्टनाइट खेल रहे हैं तो फोर्टनाइट ऑनलाइन खेल रहे हैं, और अगर वो ऑनलाइन अपने आईफोन से कुछ कपड़े देख रहे हैं, भले वो कपड़े यूके में क्यों ना हो या कनाडा में क्यों ना हो, वो ब्रांड्स देख रहे हैं तो ब्रांड्स ऑनलाइन हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है, हम कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। और ये क्या है कि और जो आप बात कर रही हैं, और ये यही मैसेज है मेरा यहाँ की यूथ के लिए एंड एल्डरिज्म के लिए, जो भी एल्डर्स हैं, यंग यूथ है, टू गेट ऑन, ट्राई करने में क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं लिवर में जो आपको रखा हुआ है, सॉरी लंबा, लेकिन यही था कि मैं जब आप उनमें कभी रोड के ऊपर भी होते हैं तो लोग कितनी खूबसूरत बैंगल्स बना के देते हैं रोजेस की, ये नहीं है कि उसके ऊपर और थोड़ा फोकस करके सबसे अच्छी बनाना सीखें रादर देन बैगिंग। लेकिन अब है ये सिस्टम है, अब जिसको नहीं चाहिए वो एज अ बैगर करके पैसे दे देता है, वो कहते तो है कि ये मेरी रोजी है, लेकिन कोई ब्रांड नहीं, कोई हुनर नहीं, बस जहाँ से सप्लाई उठाई रोड पे आ गए। राधा दिनदार, अगर आप फोकस करें अपने फेसबुक पेज के ऊपर ही क्यों नहीं, कि ये मैं बनाता हूँ, इस तरह बनाता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं सिर्फ वेडिंग के लिए आपको सप्लाई करूँगा। Exactly. Which is व्हाट्सएप बिजनेस सबके पास है, व्हाट्सएप सबके पास है, और सब आपको फ्री में उतनी क्रेडिट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिएगा जो आप करती हैं, हेलो हेलो फ्रेश, वो क्या हेलो फ्रेश.com है, वो
they supply up jo hai na unke almost 72,000 meal kits logon ke gharon pe jati hain on a daily basis daily nice. Daily very itna nice. Hai unka aap zarur dekhiyega aur main ji ji हुसैन ने ना काफी अच्छे हमें बातें बता रहे हैं और यूथ को प्रोवोक कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी यूथ को कि वो आगे आए और आगे आके काम करें राइट बिल्कुल बिल्कुल इवन मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ अच्छा तो अब आप क्या कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले मैं बस ऑनलाइन काम शुरू करने का सोच रहा था मैं हां वैसे इसमें फायदा भी होता है ना कि हमजा के आप घर बैठे काम भी कर सकते हैं आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है हमसे मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने सुना इतना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए हुसैन आपसे गुफ्तगू रही हमारी थ्रू आउट द प्रोग्राम और काफ़ी लिसनर्स भी आपकी चीज़ों से आपकी बातों से मोटिवेट हो रहे हैं अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि क्या ऐसे स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि हम इस तरफ आए जी बिल्कुल और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सी स्किल या कौन सा प्रोडक्ट मार्केट को ब्रेक थ्रू करता है और आप बिलीव करेंगे ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं मैंने जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बेची है ना वो हल्दी है अब आप बिलीव करें हल्दी सबके घर में लेकिन मैंने क्या किया उस हल्दी के साथ उसके अल्टरनेटिव यूसेस दिखाए लोगों को ये भी सही है कि आपने मास्क बना लिया या कुछ इस तरह की चीजें और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इन श्रीलंकन कल्चर कसूरी मंजल कहलाता है वो मंजल कहते हैं उसको मंजल मींस वो एक टर्मरिक पेस्ट होता है जिसमें टर्मरिक है और सिंडलवुड का पाउडर डलता है उसको अगर आप मिक्स करें और चेहरे पे लगाएं तो आपकी स्किन यूथफुल हो जाती है आपको कुछ नया नहीं करना होता अंदाज नया होना जरूरी है तो फर्स्ट थिंग इज कि आपकी अप्रोच क्या है आप किस लॉजिक और किस परसेप्शन के साथ एक प्रोडक्ट को देखते हैं Right. ये पेप्सी है अगर आप इसको ऐसे पिए तो ये पेप्सी है सॉफ्ट ड्रिंक है इसका मिल्कशेक भी बनता है उसको फ्लोट कहते हैं आप कभी ऐसा ब्रेक थ्रू ना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है सब चीजें आपके पास है और क्या आपके सराउंडिंग के अंदर है बस वो देखने वाली निगाह चाहिए होती है और उसके लिए परसेप्शन चाहिए क्या तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हर चीज़ में लगती है कुछ चीज़ों में टाइम लगता है कुछ चीज़ों में पैसे लगते हैं मैंने जो देखा है कि अब जब फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं कि ऑनलाइन रिलेटिवली अभी इनमेच्योर मार्केट है तो उसमें पैसे आपको कम लगेंगे रिटर्न कमाने में क्योंकि कोई शॉप नहीं है कोई ज़्यादा स्टाफिंग की ज़रूरत नहीं है ये अलग बात है कि ऑब्वियसली डिवेलपर्स एंड डिवेलपमेंट कॉस्ट ये सब बढ़ जाती है लेकिन आपने ब्रिक एंड मोटर से कुछ नहीं बनाना है कोई बिल्डर नहीं आना किसी ने लाइट नहीं चेंज करनी जो आपका बॉक्स जो वो कहते हैं ना ओवरहेड कॉस्ट बच जाती है बिल्कुल आप अपने रूम से चलाएं राइट चलाना ही नहीं होता आप जस्ट इन टाइम का बिजनेस कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं है आप सिर्फ रेडी हैं कि जैसी ऑर्डर आए आप चीज़ खरीदें और आप डिलीवर करें उसका रिस्क ये होता है कि यू जस्ट मेक श्योर कि चीज़ अवेलेबल हो ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीज़ आपने लिस्ट की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर या दराज के ऊपर या कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं फेसबुक एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है लोगों के लिए फेसबुक पर तो मैं काफ़ी देख रही होती हूँ ऑनलाइन लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं इनफैक्ट मैंने भी खरीदी है और मुझे तो अच्छी लगती है एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा इसका एक ये भी प्लस पॉइंट है कि फेसबुक पे जो लोग चीज़ें अपनी सेल आउट कर रहे होते हैं वो वीडियो दिखा रहे होते हैं हमें और उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये ठीक है बिल्कुल और यही है कि अंदाज जो ऑनलाइन का है वो ये है कि लोगों को आँखों से जीता जाता है पिक्चर अच्छी है तो बात अच्छी है और पिक्चर अच्छी और फिर आपका कंटेंट्स अच्छा है जो ठीक है वो अलग है रादर देन फोकसिंग ऑन कोलैबोरेशंस और आप किस तरह बड़े होंगे अगर आप यही फोकस करने की जो मेरी टी है वो सबसे यूनिक है क्योंकि वो इस तरह कटती है और इस तरह कटने से उसका रिजल्ट ये हो जाता है और ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे पास है आई थिंक यू विल अचीव अ लॉट मोर फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन कि अगर आप सिर्फ फोकस करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं राइट
rather than and agar koi cheez incapable hai kisi cheez ki say ke respect kya hai ke mujhe pata hai ke alhamdulillah main jo meri income ka zariya hai wo mere khud control mein hai allah taala ne itna jazba diya hai ke agar main chahu to zyada karna chahu to zyada kar sakta hu kam karna chahu to kam ho jayega product zyada laga dunga to zyada ho jayega product kam lagaunga to kam ho jayega aur wo ek evolution aata hai bande ki zindagi ke andar ki usko realize karna chahiye कि उसको अपनी खुद की ओनरशिप लेनी ज़रूरी है अल्लाह ताला ने सबको सेम कुव्वतें दी हैं आप गरीब हो या अमीर हो आप अगर अमीर है तो आप बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर आए आप पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा ब्रांड लेकर आए अगर आप गरीब हैं या आपके पास इतने असासे नहीं हैं तो आप छोटे से शुरू करें एक की चेन क्यों ना हो मतलब वही वाली बात है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता आप करने वाले बने बिल्कुल फिर किस्मत आपका हाथ खुद ही पकड़ लेती है और अब ये है कि आप जो मैंने यहाँ कराची में देखा ना वो बहुत सारे लोगों को एक साथ सर्व करने की कोशिश करते हैं क्या इतना टर्न ओवर होगा तो कुछ कुछ बेनिफिट होगा नहीं ऐसी कोई केस नहीं अब आईफोन्स हैं कितने महंगे हैं राइट दे सेल वन दे मेक इनफ मनी तो कभी कभार क्या होता है कि आपको एक ही चीज़ बनानी होती है दिन में अब कितने शू ब्रांड्स आपको पता होंगे जो लाखों में आते हैं अगर आप उनकी देखेंगे ना शू टर्न करके तो वो सिर्फ तीन हज़ार ही बनाएंगे पूरे साल में तभी वो महंगे